आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके उस माध्यम से ट्रैकिंग भी आपके साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई मुझे आजकल COVID-19 है, लोगों का इकट्ठा होना, गैदरिंग होनी बड़ी मुश्किल है, तो क्यों ना ये बच्चे अगर आपके 150 बच्चे अगर आप कैंप में आए हैं तो मैं अपनी बात इनसे कह सकूं। हो सकता है कि ये आगे मैं बींगे मैसेंजर मेरी बात किसी को आगे जाए, किसी को कहेंगे बताएंगे कि बैंक की बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी इसमें अच्छी स्कीमें हैं जो लोगों को नहीं पता है, लोगों के पास नहीं अवेयरनेस है, तो ये वो काम करेंगे। आपने जाके आप बताएंगे, पेरेंट्स को बताना है, मल्लेबल को बताना है, सोसाइटी में बताना है, उसका जो फायदा होगा। कैंप चीफ साहब ने बताया कि आज जिस जगह पे आप मौजूद हो ये जगह बहुत वैल्यू रखती है अपने आप के लिए, क्योंकि इसको विक्रम सिंह की देरी के नाम से जाना जाता है। ये जनरल विक्रम सिंह कोई ऐसे नहीं थे, ये जनरल विक्रम सिंह थे। तो ये क्या हुआ था कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें जनरल विक्रम सिंह, जनरल दौलत सिंह और एयर मार्शल पिंटो इसमें सवार थे, तो एक लेफ्टिनेंट थे सोडी, ये लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जब वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इनकी यहाँ पे शहादत हुई है, तो उस शहादत की जो एक यादगार जो बनती है वो उस वक्त हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने वो ये स्पॉट चुना था। आप जाते समय इसकी पूरी वो वार मेमोरियल बनी हुई है, जो उसका मार्टिस का वो बना हुआ है, यादगार जो बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं, और ये अपने अंदर डालना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जान अपने लिए नहीं दी है, इन लोगों ने जान हमारी हिफाजत के लिए दी है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे रहते हैं, यहाँ पे किसी भी किस्म की जो हमारी जो हिफाजत है और कोई नहीं कर सकता, हमारी जो आर्मी थी, जो हमारी पैरा फोर्सेस थी, वही हमारी हिफाजत करती है। कहता हूँ कि आपने ये ट्रैकिंग क्लब में, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता चलूँ, कोई 25 साल पहले की बात है, ये जो बफलियास के ऊपर जो जगह है बहराम गला से ऊपर जो हमारी सरे हैं, हमारा एक ग्रुप होता था, ट्रैकिंग ग्रुप होता था, तो उसमें हमारे सीनियर टीचर्स थे, हमारे साथी जो थे, मेरे कोलीग्स, जो हम इकट्ठे पढ़ते थे। अब जब हमने 25 साल पहले हमने क्लब बना के हमने वहाँ पे जो सात सरे हैं, जो नीर सर, नंदन सर, तो वो हमने ट्रैक किया सारा और उसको एक्सपीडाइट किया, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, हमारे जोनल ऑफिसर ने, हमारे तारक साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है, तो ये एक बड़ी हिस्टोरिकल और बड़ी नेशनल प्लेस है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो घर वालों को लीगल हायर्स को 2 लाख रुपया पीछे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा हमारे पूंछ में मैक्सिमम लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, गाय भैंसे हैं, शीप गोट्स हैं, वो पालते हैं, तो उसके लिए ये क्या स्कीमें हैं, जिन जिन के पास, घर वालों के पास ज़मीनें हैं, 10 कनाल की अगर ज़मीन है उसको 4,000 फीट कनाल के हिसाब से 40,000 रुपया मिलेगा, 1 कनाल में 4,000 रुपया आपको लोन मिलेगा।
तो वो किस हिसाब से लोन मिलेगा, वो इंटरेस्ट उसका जो होता है वो सिंपल 4% इंटरेस्ट होता है साल का। जो लोग बैंक के साथ ठीक रहेंगे उनको 3% सब्सिडी होगी। टोटल जो इंटरेस्ट होता है वो 7% होता है, तो 3% वो इंटरेस्ट सब्सिडी होती है, पर टोटल मिला के 4% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। उसके अलावा जिन लोगों के पास जो एग्रीकल्चर के जो हमारे जो फार्मर्स हैं सबके पास माल मवेशी होता है, तो जिनके पास दो एनिमल्स हैं, दो काय हैं, गाँव हैं, काउज हैं, दो काउज हैं, दो बिफेलोज हैं, उनको उनको 27,000 रुपया कर्जा 4% के हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलेगा।